नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीम में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। हम ललितपुर मुख्यालय के गांधी शिक्षक रैन बसेरा में हैं। यहाँ पर स्वर्गीय नितिन जैन, जो सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र महरौनी में लेखाकार के पद पर थे, विगत 25 मई को उनको कोरोना महामारी के अंतर्गत उपचार के दौरान जबलपुर में 25 मई को निधन हो गया था। तब से अब तक उनका पूरा स्वस्थ, जो हमारा संगठन है उत्तर प्रदेश स्वस्थ मिशन, उसके कर्मचारी संघ का जो संगठन है उसके वे पदाधिकारी थे। एक ऐसे होनहार कर्मचारी और एक ऐसे होनहार कार्यकर्ता थे जिनके जाने के बाद संगठन में गमगीन है माहौल है और सभी नितिन को लेकर बहुत दुखी हैं। आज उनका श्रद्धांजलि सभा आयोजन किया गया, तो वहीं संगठन ने उनके परिजन, उनकी माँ के लिए, अब उनके घर में मात्र उनकी माँ है, क्योंकि विगत 3 महीने में उनके दादाजी, पिताजी और नितिन खुद 3 लोगों की मौत हुई है, जिससे उनके परिवार में अकेलापन उनकी माँ के साथ है, जो अकेलापन उनके जीवन को दुखदाई है। ऐसे दुखदाई समय में उनकी उनके लिए कुछ हद तक मदद कर सकते हैं मलहम लगाने की तरह, तो संगठन ने लगभग 2 लाख रुपए उनको अनुदान के रूप में, मदद के रूप में दिए हैं। और साथ में ये आश्वासन और वचन दिया है कि माँ, हम आपके नितिन को खो दिया है, लेकिन हम अनेक बेटे आपके साथ हैं और आपके अनेक बेटे आपकी सुरक्षा रक्षा व्यवस्था के तहत हमेशा संकल्प रहेंगे। हमारे साथ संगठन के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कुछ जानना चाहूँगा। नितिन जी के जाने के उपरांत आपने क्या किया और क्या आप करना चाहते हैं? नितिन जी क्या है कि हम लोगों के जो NRHM के फाउंडर मेंबर थे, उनके बिना हम लोगों को संगठन चलाने की कल्पना भी आसानी से नहीं कर सकते। उनने इतनी हिम्मत, इतने मेहनती, इतने कर्मठ कार्यकर्ता थे वो, कि कोई भी काम में कभी भी वो इनकार नहीं किया करते थे। हमेशा हम लोग साथ देते थे, सुबह हो, शाम हो, रात हो, जब भी संगठन को उनकी ज़रूरत पड़ी वो हमेशा सबसे आगे हुआ करते थे। सब और उनका सहयोग संगठन के लिए हमेशा रहा है और हम भी उन्हें, उनके परिवार, जो उनका दुखी परिवार है, उसको आश्वासन देते हैं। और पूरी तरह आश्वासन क्या मतलब, हम हमेशा संगठन और हम उनके हमेशा उनके परिवार के साथ हमेशा साथ रहेगा। जब भी जरूरत पड़ेगी तब हमेशा साथ रहेगा। आपने संगठन की तरफ से जो अनुदान दिया है उसका क्या है, किस तरह से दिया है? वो उनके परिवार के लिए हम लोगों ने सब, जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ पे ब्लॉक में हैं, जिला पर जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्मचारी अधिकारी लोग हैं, सब लोगों ने पैसे अपने अपने जितने भी स्वेच्छा से इसको देना हुआ, उन सभी लोगों ने इकट्ठे करके पैसे अनुदान के रूप में उनको दिया है। हमारे साथ संगठन के संरक्षक हमारे तोमर साहब हैं। आपने संगठन के माध्यम से साधना देश को क्या आपने अपनी मांग रखी है नितिन के निधन के उपरांत? देखिए, मैं JK सिंह, यहाँ पेंशन एसोसिएशन का अध्यक्ष और NHME संगठन का संरक्षक हूँ। हमने कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के तहत 15 जून को एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित किया है, जिसमें ये मांग की गई है कि जितने भी हमारे कर्मचारियों की, अधिकारियों की मौत होती है कोरोना पीरियड में, तो उनको जो भी लाभ एक कैडर को दिया जाए, असाधारण पेंशन है या जितनी भी धनराशि स्वीकृत हो, समान रूप से सबको प्राप्त हो, इसके लिए हमारे द्वारा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा जा चुका है। और हम ये सरकार से मांग करेंगे और माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से तथा CMO साहब से हम मांग करेंगे कि भाई नीरज और हमारे जो डॉक्टर शमी चतुर्वेदी जी हैं, दत्त साहब हैं, इन सभी लोगों को पूरा का पूरा लाभ जल्दी से जल्दी शीघ्र मिले। इसी तरह तोमर साहब ने भी कहा है शासनादेश को और जिलाधिकारी के माध्यम से वह अपनी अपील, अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जो नितिन के साथ हुआ है किसी कर्मचारी के साथ ना हो, अगर किसी कारणवश हो जाता है तो हमारा संगठन क्या करेगा, ऐसा उन्होंने बताया है। तो इस संगठन में जहाँ अनेक लोग जुड़े थे, कुछ हमारी मातृशक्ति भी जुड़ी थी और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, नितिन के जाने का क्या गम है और संगठन उनके लिए क्या कर रहा है, कुछ नितिन के लिए आप कहेंगे? नितिन के बारे में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बस इतना ही कहूँगी कि नितिन एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे और हमें बड़ा ही गर्व है कि इस तरह के लोग हमारे साथ काम करते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। और यह कदम हमें अपने संगठन का बहुत अच्छा लगा कि हमारे संगठन के सभी मेंबर ने मिलकर जिससे जितना सहयोग हो सका उन्होंने अपनी मदद की। ये संगठन का एक बहुत अच्छा कदम है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे संगठन में इतनी एकत्रता है कि अगर किसी विपरीत परिस्थितियों में कोई परिस्थिति ऐसी खड़ी हो जाए
जहाँ पे किसी को ज़रूरत या मदद की आवश्यकता हो तो हमारा NHM संगठन के सभी सदस्य मिलकर उसका सहयोग करेंगे। आप जनता के लिए इस कोरोना महामारी दौरान में क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से एक मेडिकोस होने के कारण मैं बस इतना ही कहूँगी कि कोरोना से बचने के लिए जो 3 नियम हैं उनका पालन करें, समय से हाथ धुलना, डिस्टेंस को मेंटेन करना और मास्क पहने रहना, ये तीनों चीज़ों का पालन करें, खाने पीने का अच्छा से ख्याल रखें। धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे साथ मनीष पटवारी जी हैं, जिन्होंने संगठन को मजबूत बनाने में अपने संरक्षक अध्यक्ष और अपनी महिला टीम जो चिकित्सा टीम है उनका सहयोग लिया। तो इस नितिन जी के जाने के उपरांत उनकी क्या सोच बनती है और क्या वो करना चाहेंगे? हमारे बीच में हमारे NHM के महामंत्री नितिन जी इस कोविड काल में शहीद हो गए हैं, जो कि अपने CSC मेहरौनी के लिए उन्होंने तन मन धन से कार्य किया और कार्य करते अपने पद पर रहते हुए कोरोना से ग्रसित हो गए। उन्होंने अपने CSC के लिए बहुत कार्य किया, लोगों के लिए बहुत उन्होंने सहायता करी। हम चाहते हैं कि उनके परिवार में अब चूँकि अब कोई बचा भी नहीं है, सिर्फ माता जी हैं, उनके भरण पोषण के लिए एक हम लोगों के लिए जियो भी है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कि किसी भी कर्मचारी चाहे वो संविदा का हो या परमानेंट हो 50 लाख रुपये की धनराशि एक मुश्त दी जाती है, उसका जियो भी हम लोगों ने सौंप दिया है। हमारे CMO साहब अपर CMO साहब को विगत दिनों में बता दिया, हम लोगों ने उनको बताया भी, उन्होंने प्रयास करने के लिए भी आश्वासन दिया है और उनकी जो छोटी मोटी जो धनराशि है BF वगैरह उनकी लिए भी प्रयास किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस 50 लाख रुपए की एकमुश्त धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नितिन जी के परिवार को दी जाए। धन्यवाद। योजनाएं सरकार की, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही हैं, वो चिकित्सा विभाग के कर्मी हो या आम जनता हो, हर किसी के लिए ये योजनाएँ जारी हैं। इसी बीच में उनके कुछ मित्र कहें या कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता कहें, जो उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर नितिन जी के साथ चलते थे, उनके जाने का जो गम उनके दिल में संजो कर रखा है, वह कुछ अपने गमगीन शब्दों के साथ श्रद्धांजलि के रूप में कहना चाहते हैं। नितिन जी मेरे बहुत ही करीब साथी थे, जैसा कि सर ने बताया था कि BPM में कर्मचारी, तो मैं भी BPM यूनिट का BPM हूँ, मैं जौखरा ब्लॉक से कार्यरत हूँ। नितिन जी की कार्यशैली की मैंने शुरू में बताया था कि बहुत मिलनसार आदमी थे और कभी भी हम लोगों को जरूरत पड़ती थी तो कभी भी रात में भी हम लोग सहयोग करते थे, लेकिन कार्यशैली ठीक है लेकिन उनका व्यवहार में व्यवहार उनका इतना अच्छा था कि कर्मचारी से लेकर चाहे संविदा कर्मचारी हो चाहे परमानेंट कर्मचारी हो, कभी भी उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया और कभी भी इन चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं रहती थी। शिकन नहीं होना, परेशान नहीं होना, और जो व्यक्ति शिकन और परेशानी के युक्त था उसके लिए नितिन एक वरदान थे, एक मददगार थे, एक सहयोगी थे। और जहाँ तक उनके निधन की बात है, जो उसके पूर्व उनका इलाज हुआ जबलपुर में हुआ, और इलाज के दौरान जो उनके परिजन थे, जो उनके रिश्तेदार थे, जो उनके बहनों थे संभव सिंह आई और भी उनके जो रिश्तेदार थे, सभी ने बढ़ चढ़कर उनका सहयोग दिया। उपचार के दौरान तन मन धन से सहयोगी बने और सहयोगी बनकर पूरी तरह से तत्पर रहे उनके उपचार कराने के लिए, लेकिन अंततः जो भगवान को मंजूर था वह हुआ और नितिन इस दुनिया से चले गए। उनके जाने का गम और उनके जाने के उपरांत होने वाली परेशानियों को आज संगठन याद करता है और हमेशा परेशान रहता है, लेकिन जो संगठन की शक्ति के माध्यम से शासनायुक्त योजनाओं के अंतर्गत बात लिखी गई है, अपने पत्र भेजे गए हैं, आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा में स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी और टीम ने भी अधिकारी आए थे, उन्होंने वचन दिया, आश्वासन दिया कि यकीनन नितिन जैन के जाने के उपरांत, उनके निधन के उपरांत जो सरकारी योजनाएं होंगी उन्हें दिया जाता है। संगठन ने आज लगभग 2 लाख रुपए की मदद की है, आगामी समय में भी वो तैयार रहने, हमारे नितिन जैन जो हमारे इस बीच में नहीं है उनके परिवार के सदस्य के रूप में या अभिभावक के रूप में उनके मौसाजी हैं जो ललितपुर निवासी हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ नितिन के बारे में। कितना पैसा प्राप्त हुआ उसको? मैं नितिन का मौसा हूँ और मुझे उनकी माँ की मदद के लिए संगठन की तरफ से लगभग दो लाख रुपए का सहयोग मिला है, मैं संगठन का आभारी हूँ। इस तरह संगठन के आभारी हैं हमारे नितिन जैन, स्वर्गीय नितिन जैन के परिजन रिश्तेदार, और इस तरह मैं अपनी बात कहकर इतना ही कहना चाहता हूँ बात कहते हुए,
कि संगठन में शक्ति है और संगठन अपनी शक्ति को संयोग कर हर किसी मेंबर के लिए परेशानी के समय खड़ा है और कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग की भावना के साथ अपने संगठन को मजबूत करने में तत्पर रहेगा। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.